हरे कृष्णा। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि इस्कॉन के चार नियम कौन से हैं जिनके बारे में बहुत कहा जाता है। तो ये इस्कॉन के चार नियम नहीं है, हम उनसे कहते हैं ये सुखमय जीवन के चार नियम हैं। कोई सुखपूर्वक इस संसार में जीवन बिताना चाहता है तो उसके लिए हमारे शास्त्र विशेषकर ग्रंथराज में भागवतम ये चार नियम रिकमेंड करता है। ये भागवतम के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 38वें श्लोक में इसका वर्णन है। जिस समय द्वापर के अंत में जो कली है, जो कलयुग का पर्सोनिफिकेशन है, मूर्तिमान स्वरूप है, वो कली परीक्षित महाराज के शरणागत होता है। परीक्षित महाराज के शरणागत होकर के उनसे कुछ स्थान मांगता है रहने के लिए, क्योंकि वो बोलता है मेरा समय अभी आ गया है, द्वापर समाप्त हो रहा है, भगवान के नियमों के अनुसार मुझे अब इस समय को आगे बढ़ाना है। तो वो क्योंकि महाराज परीक्षित धर्मपरायण थे तो उनसे चार स्थान मांगता है कि आप मुझे कुछ स्थान दीजिए जहाँ मैं रह सकूँ। तो महाराज परीक्षित उनको कलयुग को, जो कलह का युग है, उसको चार स्थान देते हैं। ये चार स्थानों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है और कहा गया है अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयो ददो द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मः चतुर्विधः। तो बोलते हैं कि ये चार प्रकार के स्थान कलयुग को दिए गए। क्या क्या चार स्थान? पहला स्थान जहाँ भी जुआ खेला जाए, जहाँ गैम्बलिंग खेला जाए, जुआ हो, वहाँ पर कलयुग निवास करेगा। दूसरा जहाँ पर नशा पान किया जाए, जो भी नशे की वस्तुएं होती है जहाँ उनका सेवन हो, वहाँ पर कलयुग निवास करेगा। तीसरा जो कोई अवैध संबंधों को बनाए, वैवाहिक जीवन के अलावा या बिना विवाह किए जो संबंधों को बनाए, तो वहाँ पर कलयुग निवास करेगा। और चौथा जहाँ लोग मांसाहार करें वहाँ पर कलयुग, जहाँ पर मासूम जानवरों की हत्या की जाए तो वहाँ पर कलयुग निवास करेगा। तो ये चार स्थान बताए। इन चारों को महापाप भी कहा गया है। तो कोई अगर महापाप करता है तो उसको जीवन में पाप ट्रांसलेट होता है आगे जा करके दुख के रूप में, यही पाप हमारे जीवन में दुख को लेकर के आता है। तो इन चारों को महापाप कहा गया है। और महाराज परीक्षित ने भी इन चारों को स्थान दिया, इन चारों में कलयुग को स्थान दिया। अब कलयुग जहाँ रहेगा वहाँ कलह, ईर्ष्या, द्वेष, चिंताएं, ये सब व्याप्त रहेंगी, भय, शोक सब व्याप्त रहेगा। तो इसीलिए इन चार नियमों को पालन करने को कहा जाता है शास्त्रों के द्वारा। जब हम इन चार नियमों को पालन करते हैं, पहला नियम कोई नशा नहीं करना, दूसरा नियम किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, तीसरा किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, चौथा किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं रखना, तो ये जो चार नियम हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में पालन करता है, उसके जीवन में इस कलयुग में रहते हुए भी इस कलयुग का जो कलह का युग है, अशांति का युग है, द्वेष घृणा का युग है, उस युग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, इन सब प्रभावों से बच जाता है। क्योंकि कलयुग वही निवास करता है जहाँ पर इन चार नियमों को पालन नहीं किया जाता। तो इसीलिए अगर अपने जीवन में सुखपूर्वक रहना है, आनंद के साथ रहना है, तो इन चार नियमों को हमको अवश्य पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा।